कल जो है मैंने लास्ट रोजा रखा था। लोग जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। ये रहा, पूरा रेडी हो गया हम। क्यों मुंह लटका के आ रहा था मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। अभी पूरा दिन जो है बहुत ही टाइट चल रहा था, मतलब बहुत ही काम था। और अभी शाम के बज रहे हैं 6, और अभी मेरे को जो है ब्लॉग करने का टाइम मिल रहा है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज है ससाईद। ससाईद क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि ससाईद है ना, जो रमज़ान का महीना होता है जिसमें हम पूरे महीने के रोज़े रखते हैं, उसके बाद वाला जो महीना आता है, जैसे कि रमज़ान ईद ख़त्म हुई और उसके बाद वाला पूरा महीना, उसमें आप कभी भी 6 रोज़े रखो ना, 6, तो आपके 6 रोज़े के बाद जो 7वां दिन होता है वो आपका ससाईद होता है। और कल जो है मैंने लास्ट रोज़ा रखा था, और आज जो है मेरी ससाईद है। और सुबह कुछ इस तरह से हुई, मतलब बहुत ही अच्छा, जैसे कि ईद में बनता है सेवियाँ, कढ़ी चावल, ये सब बना था। और आज ईद है, उसी खुशी में मैंने कल रात से ही सोच के रखा था कि है ना केक लेके जाऊंगा और दोस्तों के साथ मिल बांट के ऐसे खाएंगे। फिर जो है उसके बाद मैं गया मेरे दोस्त के वहाँ साइबर कैफे पे, और वहाँ पे जाके रनिंग एग्जाम की जो है अपॉइंटमेंट ली थी आज की, तो वो देने गया था 3 बजे। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए लाइसेंस की, और सब कुछ पेपर वेपर सब ले लिया, अपॉइंटमेंट सब, और अभी हम जा रहे हैं स्कूटी लेके एग्जाम देने के लिए। चलो चलते आओ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सेस लेके, सब कुछ अंदर डिक्की में रख दे रहे हैं। चलो भाई, कि 3 बजे आ जाना है वहाँ पे, और बस अभी 10 एक मिनट में पहुँच जाएंगे वहीं जाके। फिर देखते हैं, थोड़ी नर्वसनेस आ रही है कि क्या होगा क्या नहीं, पर देखते हैं क्या होता है। चलो निकाल तो दे। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे सेंटर पे जहाँ पे हमको एग्जाम देनी है, और देखते हैं क्या होता है। क्या कहता है भाई? देखते क्या होता है, मैं आपको मिलता हूँ 1 घंटे बाद। चलो। एग्जाम तो हो नहीं पाई क्योंकि मैं अंदर गया था, और उन्होंने बोला कि आपने जो डॉक्यूमेंट डाला है पासपोर्ट का, उसकी जगह पे हमको जो है LC का डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, कंपलसरी था, ऑप्शनल में था पासपोर्ट का, पर मैंने पासपोर्ट डाला तो यहाँ पे बोला कि कंपलसरी LC जो है वो एज प्रूफ के लिए है। तो फिर मेरी एग्ज़ाम नहीं हो पाई और मैं वापस आ गया, और उन्होंने बोला कि अपलोड करके कल की अपॉइंटमेंट लेके कल आ जाना। तो मैं कल आऊँगा वापस से यहाँ पे,
और ये दूसरी बार ऐसा हुआ, पहले भी आया था तब यहाँ पे कोरोना की वजह से सब बंद था, तो फिर से अपॉइंटमेंट ली और फिर आ जाया, तो फिर से अब बोल रहे हैं कि कल अपॉइंटमेंट लेना, तो मैं कल आऊँगा एग्ज़ाम के लिए। और अभी भाई जो है वो गया है एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम दे के आएगा, फिर हम वापस घर जाएंगे। दूसरी बात ये, आप लोगों को बोला कि मैं दोस्तों को जो है सरप्राइज़ देने वाला हूँ केक ले जाके। प्लान ये था कि हम जब शाम को खेलने जाते हैं तभी लेके जाऊं मैं केक, और जो बाहर शॉप है शॉप से ही लेके जाऊंगा, तो घर का बना हुआ होगा तो अच्छा होगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है घर से ही लेके जाते हैं, तो मम्मी ने बनाया था केक और वही केक को अभी थोड़ा अच्छे से बनने के लिए फ्रीजर में रखना पड़ता है और थोड़ा टाइम लगेगा। रात को लेके जाए, रात को भी हम लोग बैठने जाते हैं, तो रात तक जो है अच्छे से हो जाएगा वो केक, तो रात को ही लेके जाऊंगा। और अभी शाम को जाएंगे 6 बजे खेलने के लिए, तो सीधा चलेंगे खेलने के लिए। अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरे भाई के लिए जो अभी तक आया नहीं है एग्ज़ाम देके, तो चलो इंतज़ार करते। अरे आ गया, लो भाई आ गया, आ गया आ गया। आफ्टर ऑल गाइस भाई पास हो गया, आ गया है। और आया तो मतलब ऐसे यूं मुंह लटका के आ रहा था, मैंने बोला भाई क्या हुआ बता तो सही, फिर यहाँ आके मेरे को मार के बोलता है भाई पास हो गया। मैंने बोला अच्छी बात है, तो मुंह क्यों लटका के आ रहा था? बोला कुछ नहीं, अभी 10 मिनट रुकने का है, ट्रेनिंग लाइसेंस बना के दे देंगे। और खैर मेरा रह ही गया, तो मैं वापस से कल आऊँगा, कोई नहीं होता है कभी कभी। अभी रात के बज रहे हैं 8:51 और 9:15 बजे को जो है ईशा की नमाज होगी, उसके बाद खा के फिर मैं जाऊँगा केक लेके वहाँ पे और देखते हैं क्या होता है। और अभी जो है डेकोरेशन चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा रेडी हो गया है हमारा केक, और अभी मैं थोड़ा सा काट के जो है घर रखूंगा और बाकी का जो है वो लेके जाऊंगा दोस्तों के पास, तो उसको काट देते हैं थोड़ा हिस्सा खेत, तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वो काट लिया है मैंने और बाकी का लेके जाएंगे हम दोस्तों के पास। Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and. गाइस अभी मैं घर आ चुका हूँ, और जो भी केक वेक भी काटा वहाँ पे इतना अच्छा वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन सारे दोस्त जो है वो खुश हो गए थे कि मतलब अच्छा है ऐसे केक खाने मिला तो। और बस यहीं पे सबको अच्छा लगा था केक, और अंधेरा जो था वो ज़्यादा था वहाँ पे, लाइट पता नहीं वैसे तो हर रोज़ होती पर पता नहीं क्या हुआ था तो लाइट वहाँ की नहीं थी, तो अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया। तो बस इसी के साथ अच्छे अच्छे कमेंट कर देना आप वीडियो के एंड में, वीडियो को शेयर करो और लाइक करते हुए जाना यार, देख रहे हो तो फिर लाइक करते जाना। तो बस खुशी खुशी आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, तो गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना, मिलते हैं अगले ब्लॉग, बाय बाय।